हेलो गाइस, स्वागत है आज फिर ना आपका अपनी दुकान मार्केटिंग जोन चैनल पर। और मैं खुद अनिल कुमार। आज ना कॉस्मेटिक सदर बाजार की वीडियो नहीं, आज दिल्ली के अंदर में जो कोहराम मचा ना 13 तारीख को और दूसरे महीने 2024 के अंदर, वीडियो उसके लिए। दिल्ली के अंदर में हुआ क्या कि एक राकेश टिकैत नाम का बंदा जो अपना किसानों के लिए आंदोलन करना था, तो मोदी के घर या केजरीवाल के घर करना चाहिए था, पूरे रोडों को आज दिल्ली के अंदर में नरक बना दिया। एक गुजरात से लेके बच्चा और स्कूल बच्चों को जो आज दिक्कत हुई, जैसे कि दिल्ली के अंदर में मेन पॉइंट होता है जीटी के करनाल बाईपास के अंदर में, इतना बुरा हाल था जो कि आज ना नाइट के अंदर अभी 7:30 का टाइम और क्लोज पूरा मिलने वाला होगा। ऐसे लोगों को ना राकेश टिकैत बोले या किसान बोले, किसान हमारे देश की शान तो है, लेकिन इस तरीके के किसान ना जो दिल्ली की जनता को, जो गुजरात लोगों को, बच्चों को जो मुसीबत में डालते हैं, इन लोगों का नाम ना राकेश टिकैत नहीं, इनका नाम जो होना चाहिए वो राकेश टिकैत होना चाहिए। क्योंकि ऐसे सब कुछ धरने प्रदर्शन के लिए दिल्ली के अंदर में रामलीला मैदान होता है, जंतर मंतर होता है, मोदी जी का आवास दिल्ली के अंदर होता है, और दिल्ली के सीएम होते हैं केजरीवाल, उनका भी एक आवास होता है जहां पर ना धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। इसी धरने प्रदर्शन से एक कुछ साल पहले 2013 के अंदर अरविंद केजरीवाल एक मामूली बंदे की तरह धरना प्रदर्शन किया और पार्टी ज्वाइन करी और दिल्ली को ना लूट के खा लिया। ये राकेश टिकैत जो है ना आज किसानों का जो मसीहा है, ये केवल आंदोलन इसलिए किया जा रहा है कि जिसके कारण ना ये भी किसी पार्टी में जाए और एक दिन ना मुख्यमंत्री बन जाए और देश को ना लूट के खाने का काम ये करने वाला होगा। और अनिल भाई ना दिल्ली सदर बाजार के ऊपर वीडियो नहीं, जो आज दिल्ली के अंदर में जो जितने भी बॉर्डर थे, गाजीपुर बॉर्डर, करनाल बाईपास बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, सारे बॉर्डरों के ऊपर ना बुरा हाल, और दिल्ली के अंदर में आईएसबीटी के ऊपर रात को 8:30 भी जाम का जो प्रकोप था ना, वो आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। इस तरीके का वीडियो मिलेगा कि आप ना सोच नहीं सकते कि दिल्ली के अंदर में आज इस बंदे ने ना कितना बड़ा कोहराम मचाया है। एक छोटी छोटी बातों को, बच्चों का स्कूल का टाइम 12:30-1 के बीच में छुट्टी का टाइम होता है, और छुट्टी होने के बाद वो बच्चे आज ना घर पर आने में 6:00 अपने घर पर पहुंचे और भूखे प्यासे रहे, वो एक ही आदमी के कारण, वो था राकेश टिकैत और किसानों का आंदोलन। इस आंदोलन के लिए ना आपको नरेंद्र मोदी के घर पर धरना देना चाहिए या दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के ऊपर धरना देना चाहिए, क्योंकि ऐसे ना दिल्ली की भोली भाली जनता बहुत परेशान होती है। अगर धरना प्रदर्शन करना था ना, अगर राकेश टिकैत और किसानों में इतना दम था तो उनको उत्तर प्रदेश बाबा योगी के मठ में जाकर वहां पे धरना प्रदर्शन करते ना, तो आपको मार मार के लाल कर दिया जाता। दिल्ली की भोली भाली जनता को ना जो आप लोग सताते हो, इसका प्रकोप ना आप झेल नहीं पाओगे, क्योंकि इसका अंत बहुत बुरा होने वाला है। क्योंकि आज गुजरात महिला और काम पर जाने वाला एक छोटा व्यापारी और स्कूल जाने आने वाले बच्चों को जो दिक्कत हुई है ना, राकेश टिकैत बख्शे नहीं जाएंगे इस चीज से। अगर धरना प्रदर्शन करना है तो आप मोदी जी के आवास पर जाके करिए, लेकिन दिल्ली की जनता को आप बख्शिए। वीडियो कैसा लगा है ना, वीडियो लाइक शेयर जरूर करना, और 14 तारीख की डेट के अंदर आईएसबीटी और आईटीओ से अनिल भाई वीडियो ना इसी चैनल पर दोबारा लेके आना होगा, और मेरा नंबर वीडियो के ऊपर होगा, वीडियो मैं डाल रहा हूँ। अगर किसी को दिक्कत होगी ना, मेरी मेल आईडी सबमिट होगी चैनल के ऊपर, आप लोग उसके ऊपर मैसेज जरूर करना, और जो जिस पे किया जाएगा वो कर सकता है।